करते हैं, मैं आपको दिखाता हूँ कैसे गूगल अर्थ प्रो हम यूज़ कर सकते हैं। आप चाहे तो गूगल अर्थ प्रो गूगल से डाउनलोड कर सकते हैं, जैसे गूगल में आप सर्च करेंगे गूगल अर्थ प्रो, इस पर क्लिक करोगे आप, ये पहली वेबसाइट खुलेगी। अभी मैंने डाउनलोड कर रखा है तो यहाँ पर मेरा लॉन्च तो नहीं आ रहा है, वरना आप गूगल कि नहीं, यहाँ पर आपको डाउनलोड का ऑप्शन आएगा जो भी नीचे आ रहा है, आप यहाँ पर क्लिक करोगे तो यहाँ पर आप डाउनलोड कर सकते हो। ठीक है, अभी हमारा गूगल प्रो खुला हुआ है। सपोज करो जैसे आपको कोई प्लॉट दिया हुआ है, का आपको लेंथ निकालना है, सर्कमफेरेंस निकालना है, या फिर आपको एरिया निकालना है। सपोज करो ये एक प्लॉट है, ठीक है, और यहाँ पे आपको कोई कंस्ट्रक्शन करना है, यहाँ पे आपको अपना ऑफिस बनाना है, या कोई भी साइट यहाँ पे शुरू करनी है, जैसे कि मैन्युफैक्चरिंग प्लांट की, बैचिंग प्लांट की, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, अब यहाँ पे अब सपोज करो हमें यहाँ पे ये एरिया मेजर करना है, तो कैसे करेंगे? गूगल अर्थ प्रो खोल लिया आपने, अब यहाँ पे ये जो आप आइकन देखोगे ना ऊपर, एक आइकन आपको यहाँ पे मिलेगा स्केल की शेप में, इस पर आप क्लिक करोगे। इस पर क्लिक करने के बाद आप क्लिक, अगर आपको सिर्फ लेंथ मेजर करनी है या फिर सर्कमफेरेंस मेजर करनी है तो आप पाथ पर क्लिक करोगे। पहले पॉइंट पर क्लिक किया, दूसरे पॉइंट पर क्लिक किया, तीसरे पर क्लिक किया, चौथे पर क्लिक किया, पांचवे पर क्लिक किया, छठे पर क्लिक किया, आठ, नौ। अब आप ये देखोगे ये मैंने इस प्लॉट की बाउंड्री को मेजर किया, जिसे हम सर्कमफेरेंस भी कहते हैं। तो ये कैलकुलेट करने के बाद हमारी आई अप्रॉक्स 1.18 किलोमीटर, ये अभी हमने रफली लिया है, एग्जैक्ट नहीं लिया है, क्योंकि यहाँ पर आप देख सकते हो कर्व भी हैं अलग अलग शेप्स की। ठीक है, ये आपकी आ गई 1.18 किलोमीटर, इसे अब हम सेव कर सकते हैं। यहाँ पे आपको जो भी स्टाइल का नाम देना है इस बाउंड्री का, सपोज करो मैंने यहाँ पर लिख दिया बाउंड्री वॉल। ठीक है, फिर आप जो करोगे ये सेव हो चुका है। अब अगर आपको इसकी बाउंड्री की प्रॉपर्टीज चेंज करनी है या इसका बाउंड्री का कलर चेंज करना है, तो यहाँ पर आप जाओगे स्टाइल एंड कलर में, इसमें आप ये जो कलर वाला आइकन है इस पर क्लिक करोगे, इसमें आप कोई भी कलर चूज कर सकते हो, ब्लैक, ग्रीन, येलो, ब्लू। अगर हम येल्लो पर क्लिक करते हैं, ओके करते हैं, तो ये आपका कलर चेंज हो जाएगा जैसा आप देख सकते हो। और ये जो बाउंड्री हमने मार्क करी, अगर इसकी आपको थिकनेस बढ़ानी है तो आप जो विथ का जो आइकन है उसके बराबर में इस पर क्लिक करोगे, आप 5 करोगे तो ये आप देखोगे इसकी थिकनेस बढ़ चुकी है। ऐसा हम क्यों करते हैं, थिकनेस क्यों बढ़ाते हैं? जब हम इस एरिया का हम प्रिंट निकालेंगे, अगर आप यहाँ पे थिकनेस सपोर्ट करो 2 रखोगे, तो वो इतनी अच्छे से क्लियरली शो नहीं करेगा प्रिंट में, उसमें जनरली हम 5 से 10 के बीच में की थिकनेस रखते हैं। यहाँ पर मैं 5 पे क्लिक कर दिया, ये आपकी थिकनेस 5 है। और जब आप प्रिंट करोगे तो ये क्लियरली शो करेगा इसकी बाउंड्री पर। अब इसकी प्लॉट का हमने सर्कमफेरेंस को निकाल लिया, अब कोई हमें बोलता है कि मुझे इस प्लॉट का एरिया चाहिए, तो वो आप कैसे मेजर करोगे? इस पर आप क्लिक करने के बाद, राइट क्लिक करने के बाद प्रॉपर्टीज में जाके मेजरमेंट्स में जाओगे। ठीक है, ये तो आ गई आपकी सर्कमफेरेंस, जो आप यहाँ पे माइल्स में भी चेंज कर सकते हो, या उसमें फीट में, इंचेज में, किलोमीटर्स में, और मीटर जो भी है। ठीक है, तो मुझे करना है इस एरिया का मेजरमेंट। ठीक है, उसके लिए मैं फिर से इस आइकन पर जाऊँगा रूलर वाले, यहाँ पर मैं क्लिक करूँगा पॉलीगन पर। ठीक है, पॉलीगन पर क्लिक करने के बाद मुझे बाउंड्री पर मार्क करना है, पहला पॉइंट यहाँ आया, दूसरा यहाँ आया,
तीसरा यहाँ आया, चौथा यहाँ आया, पांचवा, छठा, सातवा और ये आठवा। इसे आप एडजस्ट भी कर सकते हो, इस पर आप ऐसे पॉइंटर ला के अपनी मर्जी के हिसाब से एडजस्ट भी कर सकते हो। हर टाइम पर आपको डिस्क्रिपेंसी दिखती है तो इसे आप ऐसे आप यूज कर सकते हो, ये ऐसे ठीक किया जा सकता है। ठीक है, अब ये मैंने बाउंड्री मार्क कर दी है दोबारा से, जो पहले से हम कर चुके थे। यहाँ पर आप देखेंगे पैरीमीटर वो सेम रहा हमारा, सर्कल सर दो दो का। यहाँ पे हमारा एरिया निकल के आ गया इस प्लॉट का, ये जो पूरा प्लॉट है ना ग्रीन का, यहाँ पे पेड़ क्यों नहीं, इसका एरिया निकल के आ गया 8.60 हेक्टेयर। अब आप चाहे तो इसे भी चेंज कर सकते हो, इसे स्क्वायर फीट में कर सकते हो, स्क्वायर यार्ड्स में कर सकते हो, एकड्स में कर सकते हो। इसी तरह से जैसे हमने सरकमफेरेंस को सेव किया था, इसी तरह से हम एरिया भी सेव कर सकते हैं। यहाँ पर सेव पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे क्लिक किया हमने एरिया, सेम यहाँ पर भी हम स्टाइल में जाएंगे, कलर पर जाएंगे, चेक कर सकते हैं ब्राउन। अभी हम यहाँ पर रेड कलर चूज कर रहे हैं लेकिन वो अभी शो नहीं कर रहा क्योंकि वो ओवरलैप कर रहा है, इसलिए तो करते हैं कि वो देखना शो नहीं कर रहा। यहाँ पर हम इसकी ग्रिप बढ़ाने के लिए सपोज हम सिक्स फीट लेते हैं तो आप देखोगे यहाँ पर अपनी हल्का हल्का शो करने लगा और कंट्रीज में जाएंगे स्टाइल कलर, ये बाउंड्री वन पे क्लिक हो गया। अब चाहे तो ये साइड में ये जो एरिया होता है हम बोलते हैं साइड बार, इसमें भी हमारी जो रिसेंट मैप जो कि चल रही थी वो यहाँ पर शो कर दी है। पहले हमने बाउंड्री वन मार्क करी थी, ठीक है, उसके बाद हमने प्लॉट एरिया मार्क करा, प्लॉट एरिया पर क्लिक करेंगे, राइट क्लिक करो, प्रॉपर्टीज में जाओ, स्टाइल एंड कलर में जाओ। ये जो अंदर का एरिया है, अब अगर हम चाहते हैं कि उसे हम किसी कलर से शो करना चाहती है प्रिंट में इजीली दिखे, हम एरिया में जाएंगे, कलर पे क्लिक करेंगे, सपोज करो हमने रेड कलर क्लिक किया, ठीक है, और इसे हमें करना पड़ेगा फील्ड प्लस आउटलाइन, अभी आपका अंदर का कलर रेड हो गया। अब ये कुछ इसकी जो ओपेसिटी है बहुत ज़्यादा है, अब अगर हम चाहते हैं इसकी ओपेसिटी को कम करें तो इस पर हम क्लिक करेंगे, इसे हम कर देंगे 50%, इसको 50 क्लिक करेंगे। तो आप देखोगे जो अंदर का एरिया है वो भी विजिबल है और जो मैंने शेड करा है वो भी विजिबल है। तो इस तरह से हमने इस एरिया की सर्कमफेरेंस भी मार्क कर लिया और इस प्लॉट का जो एरिया आया वो भी हमने कैलकुलेट कर लिया, ठीक है। अभी आप देखोगे तो थोड़ा टेंटेड व्यू दिख रहा है इसका, अब इसे ठीक से सीधा कैसे कर सकते हो, इसकी सिंपल सी कमांड है कंट्रोल की पर आप क्लिक करोगे और माउस से लेफ्ट की को ऐसे करके आप टेंट कर सकते हो। यह बात है इंटरेस्ट प्लान आ गया, ठीक है। अब आपने एरिया को मार्क कर लिया, अब इसकी नेमिंग भी करनी पड़ेगी, हमें कुछ आइडेंटिफिकेशन भी देना पड़ेगा ताकि अगर हम प्रिंट करें तो उसमें प्रिंट में ठीक से दिखे, तो उसके लिए क्या करना है, ये आपको पिन का आइकन शो हो रहा है तो क्लिक करोगे, ये पिन आप ऐसे कहीं भी नोट कर सकते हो, तो मैंने यहाँ पर प्रिंट कर दिया। अब इसका यहाँ पर नेम करेंगे, अब उसको मैं यहाँ लिखता हूँ साइट फॉर प्लान, इस पर आप ओके क्लिक कर दो, ये आपका आ गया साइड पर डचिंग प्लान, ये आपका साइड बार में भी आ गया जो हमारी रिसेंट एक्टिविटी आती है, ठीक है। अब अगर इसकी भी आपको प्रॉपर्टी चेंज करनी है फिर से राइट क्लिक करके प्रॉपर्टीज में जाएंगे, स्टाइल कलर, इसका आप कलर चेंज कर सकते हो, यहाँ से मैं सकती हूँ डार्क ग्रीन लेता हूँ, ये आपका कलर चेंज हो गया फॉन्ट्स का, भी आप उनको सबकी चाहे तो कम कर सकते हो बढ़ा सकते हो, और ये जो आइकन है उसका भी आप कलर चेंज कर सकते हो, मैं कलर दूंगा ब्राउन, ब्राउन चेंज हो रहा है कम कलर मुझे चेंज हो रहा है, ये हमको ले लेते हैं, ये हमको तो आप जो भी था
ठीक है। अब यहाँ पे आप देखोगे ये आपको दिखेगा जोन, जोन हर एरिया का एक मैप पर डिफाइंड होता है। इंडिया में जो हमारा जोन रहता है वो 43R रहता है, ठीक है। अब जिस पॉइंट पर ये पिन मार गया ना, यहाँ की ये कोऑर्डिनेट्स हैं, ईस्टिंग एक होता है हमारा ईस्टिंग, एक होता है हमारा नॉर्थिंग, ये इस एरिया के कोऑर्डिनेट्स आ गए इस पॉइंट। फिर ऐसे ही हम इसे सेव कर लिए, इस तरह से हमने ये एरिया मार्क कर लिया है। आई होप वीडियो अच्छी लगी होगी, समझ में आया होगा काफ़ी अच्छे से। अगर कोई डाउट्स हो तो कमेंट में जरूर बताना, क्लियर करने की पूरी कोशिश करूँगा। अब हमने ये बना तो लिया है, अब सपोज करो मुझे इस एरिया का, इतने एरिया का पेंट निकालना, वो मैं आपको बताऊंगा नेक्स्ट वीडियो में। पहले इस वीडियो को लाइक कर दो, कमेंट करो, शेयर करो, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दो यार, बहुत मेहनत करती है वीडियो बनाने में, सब्सक्राइब करते नहीं हैं। थैंक यू सो मच।